अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद अजीम शराजी अलमोइज होम्यो क्लिनिक एबटाबाद से। व्यूअर्स, टुडे इज माय स्पेशल टॉपिक अबाउट थ्रोम्बोसिस। मेरा आज का ख़ास मौजू थ्रोम्बोसिस के बारे में है। डिफिनेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, इसकी तारीफ। अगर खून सर्कुलेशन के दौरान जमने लगे तो इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और जमने वाले खून के लोथड़े को थ्रम्बस कहते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट साइट्स ऑफ थ्रम्बोसिस। अब मैं आपको थ्रम्बोसिस की जगहें बताता हूँ। नंबर वन, पिंडलियों की वरीदों में। नंबर टू, शरियान आज़म में, जिसे आयोटा कहते हैं। नंबर थ्री, दिल की शरियानों में। नंबर फोर, दिमाग की शरियानों में। नंबर फाइव, और मुख्तलिफ अज़ा की शरियानों में। सो दीज आर साइट्स ऑफ थ्रोम्बोसिस, ये थ्रोम्बोसिस की जगह हैं। अब मैं आपको थ्रोम्बोसिस की काजज यानी वजूहात बता रहा हूँ। नंबर वन, किसी चोट की वजह से। नंबर टू, खून में तब्दीली होने के बायस। नंबर थ्री, खून की नालियों में तंगी के बायस। नंबर फोर, खून के बहाव में सुस्ती के बायस। नंबर फाइव, किसी ऑपरेशन की वजह से। नंबर सिक्स, खून की नालियों की साख्त में तब्दीली वाक़ होने से। नंबर सेवन, एथरोमा की वजह से। एथरोमा खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से पीले रंग का सख्त सा डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से खून की नालियां तंग हो जाती हैं, इसे एथरोमा कहते हैं। अब मैं आपको थ्रोम्बोसिस की सिम्टम्स यानी अलामात बता रहा हूँ। नंबर वन, सूजन का होना। नंबर टू, दर्द का होना। नंबर थ्री, नब्ज का तेज होना। नंबर फोर, थ्रम्बस का फोड़े में तब्दील हो जाना यानी सिस्ट बन जाना। नंबर फाइव, मरीज को थूक में खून आना। नंबर सिक्स, थ्रम्बस की वजह से अक्सर बुखार हो जाता है। नंबर सेवन, हाई ब्लड प्रेशर का होना। नंबर एट, थ्रम्बस की वजह से गैंग्रीन भी हो सकती है। नंबर नाइन, थ्रम्बस की वजह से वरीदों में सूजन आ जाती है। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट यानी इलाज बता रहा हूँ होम्योपैथी में बेहतरीन रेमडीज़ के साथ। देयर आर वन ऑफ द बेस्ट रेमडी अर्निका मोंटाना फॉर थ्रोम्बोसिस इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में थ्रोम्बोसिस के लिए अर्निका बहुत ही मुफीद दवा है। इसके साथ आप कालीम्योर और लाइकोपोडियम भी अलामात के मुताबिक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हर किस्म की कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली बेल का बटन दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।